बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम लिंग्विस्टिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है सिंक्रोनिक एंड डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, लॉ लैंग एंड लॉ पेरोर, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, सिंटेगमेटिक एंड पैराडिग्मेटिक रिलेशंस, सब्सटेंस एंड फॉर्म। और लास्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन लैंग एंड कॉम्पिटेंस। वीडियो को शुरू करते हैं। सिंक्रोनिक एंड डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, the branch of linguistics which discusses the analysis of language at a single point in time. वो branch linguistics की जो के language को उसके time पर, उसके वक्त पर discuss करे, उसको analyze करे, वो होती है synchronic linguistics. It's called synchronic or descriptive linguistics. इसके दो नाम है, synchronic और descriptive linguistics. It investigates the way people speak in a given speech community in time. ये वो तरीके को इन्वेस्टिगेट करती है, तफ्तीश करती है, जो कि मौजूदा वक्त में लैंग्वेज यूज़ की जाए उसको। डायक्रॉनिक और हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक, डायक्रॉनिक और हिस्टोरिकल, ये दो नेम हैं एक ही लिंग्विस्टिक की ब्रांच की। स्टडीज द डिवेलपमेंट एंड चेंजेस ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के डिवेलपमेंट और चेंजेस को डिस्कस करती है थ्रू टाइम के थ्रू जो लैंग्वेज में चेंजेस आती हैं, ये उस चीज़ को डिस्कस करती है। फॉर इंस्टेंस द वे इन विच फ्रेंच एंड इटालियन हैव मर्ज्ड फ्रॉम लैटिन, जैसा कि लैटिन जुबान में से, लैटिन लैंग्वेज में से फ्रेंच और इटालियन को मर्ज किया गया है, फ्रेंच और इटालियन इसमें से वजूद में आई है। रिलेशनशिप बिटवीन सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स, अ वैलिड डायक्रॉनिक वर्क हैज़ टू बी बेस्ड ऑन गुड सिंक्रोनिक वर्क। एक जो अच्छा डायक्रॉनिक और हिस्टोरिकल वर्क होता है, वो सिंक्रोनिक और डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक के वर्क पर बेस करता है। बिकॉज अ वैलिड स्टेटमेंट अबाउट लिंग्विस्टिक चेंज कैन बी मेड अ गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लैंग्वेज दैट एग्जिस्ट। किसी भी लैंग्वेज के चेंज को हम तभी डिस्कस कर सकते हैं जब हमें उसकी एग्जिस्टेंस का पता हो कि वो पहले कैसी थी और अब उसमें क्या चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट है लॉ लैंग एंड लॉ पेरोल। द सम ऑफ वर्ड इमेजेस इन द माइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड लॉ लैंग। जो तस्वीरों की इमेज होती है, वर्ड्स की इमेज होती है, वो हमारे जब माइंड में चीज़ होगी वो लॉ लैंग होगी। इट इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ लैंग्वेज एज डिस्क्राइब इन अ ग्रामर बुक, जैसे कि किसी भी लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, इन अ ग्रामर बुक, किसी भी ग्रामर बुक में लिखे होते हैं, उस वो जब हमारे माइंड में रहेंगे तो हम उसको लॉ लैंग कहेंगे विदाउट एनी मीनिंगफुल अटरेंस। अकॉर्डिंग टू सॉशर, लॉ पेरोल इज द एक्चुअल अटरेंस। सॉशर के मुताबिक लॉ पेरोल जो है वो एक्चुअल अटरेंस है लैंग्वेज का। जब हम किसी लैंग्वेज को बोलते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो वो लॉ पेरोल होगा, लेकिन जब उसकी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में रहती है तो वो लॉ लैंग होगा। इट रेफर्स एक्चुअल अटरेंस ऑफ लैंग्वेज बोथ रिटन एंड स्पोकन, स्पोकन में भी और रिटन में भी। इट रेफर्स टू द कंक्रीट इंस्टांसिस ऑफ द यूज ऑफ लैंग्वेज। पेरोल इज द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग रूल्स, कहते हैं कि पेरोल जो है वो रिजल्ट है किसका, अप्लाइंग रूल्स द सेंटेंसेस टेक्स्ट एक्सेट्रा। इन रूल्स को जब हम अप्लाई करते हैं तो वो पेरोल होता है, और जो रूल्स हमारे माइंड्स में होते हैं उनको हम लॉ लैंग कहेंगे। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। कॉम्पिटेंस अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, ये चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि इज़ द नेटिव स्पीकर्स नॉलेज ऑफ हिज लैंग्वेज। जो नेटिव स्पीकर है उसकी लैंग्वेज का नॉलेज वो होगा कॉम्पिटेंस, द मास्टरी ऑफ सिस्टम ऑफ रूल्स, जो कि उसके माइंड में है नॉलेज, रूल्स स्मिथ प्रिंसिपल भी साथ ही, वो सारा होगा कॉम्पिटेंस। जैसे कि सॉशर ने कहा है कि जो प्रिंसिपल्स हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी वर्ड की इमेजेस, वो हमारे जब माइंड में होती हैं तो वो लॉ लैंग होती हैं, और चॉम्स्की जो है वो कहता है कि ये कॉम्पिटेंस है। परफॉर्मेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्चुअल सेंटेंसेस इन यूज़ इन रियल लाइफ सिचुएशन, कहता है कि जब हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को यूज़ करते हैं, तो वो परफॉर्मेंस कहलाएगी। जैसा कि सॉशर ने कहा है कि जब हम रूल्स को अप्लाई करेंगे स्पोकन में या फिर रिटन फॉर्म में तो वो लॉ पेरोल होगा, तो चॉम्स्की ने कहा है कि ये परफॉर्मेंस होगी। फॉर इंस्टेंस
When a pianist has the ability to play the piano, जब एक pianist जो है उसके पास ability है piano को चलाने की, it is competence, वो ability जो है, वो rules जो है उसके mind में set है, वो सब कुछ competence है. Performance is when he play the pianist, piano, जब वो piano को चलाएगा तब वो performance कहलाएगी. Next आ जाता है syntagmatic and paradigmatic. Syntagmatic relation is a type of semantic relations between words. ये अल्फाज के दरमियान सीमेंटिक मतलब मीनिंग्स का रिलेशन है डैट को अकर इन द सेम सेंटेंस और टेक्स्ट जो कि एक ही सेंटेंस में या फिर टेक्स्ट में दो वर्ड्स के दरमियान उनका रिलेशन होता है उसको हम सिंटैग्मेटिक रिलेशन कहेंगे. पैराडिग्मेटिक रिलेशन इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंटिक रिलेशन. ये थोड़ा मोटिव सीमेंटिक रिलेशन है बिटवीन वर्ड्स दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद अनदर वर्ड इन द सेम कैटेगरी. वो कहते हैं कि ये दूसरी तरह का रिलेशन है दो के हम जो कि हम चेंज कर सकते हैं एक दूसरे वर्ड के साथ एक्सचेंज करके. एग्जाम्पल देख लेते हैं. द काउ जम्प ओवर द मून सिंटैग्मेटिक टूगेदर फ्रॉम वन मीनिंग. ये एक सिंटैग्मेटिक रिलेशन है. इनमें वर्ड्स के दरमियान जो सिमेंटिक रिलेशन जाहिर किए गए हैं वो सिंटैग्मेटिक शो करता है. अब हम देखेंगे कि जो पैराडिग्मेटिक है वो क्या है. बट यू कुड रिप्लेस काउ विद अनदर वर्ड इन द कॉलम पैराडिग्मेटिक कॉलम में से अगर हम एक और वर्ड लें तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं. अब काउ को हम रिप्लेस करेंगे फिश के साथ सो ये पैराडिग्मेटिक हो जाएगा. और जो काउ का जंप्ड ओवर द मून के साथ रिलेशंस है वो सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप होगा. टू फॉर्म अ डिफरेंट सेंटेंस विद अ डिफरेंट मीनिंग सच एज द फिश जम्प्ड ओवर द मून. यहाँ पर हमने काऊ को फिश से रिप्लेस किया है तो ये पैराडिग्मेटिक हो गया है. और जो फिश का जम्प्ड ओवर द मून के साथ रिलेशनशिप है वो है सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप. नेक्स्ट है सब्सटेंस एंड फॉर्म. The actual sounds and graphic symbols are substance. किसी भी चीज़ की actual जो sound है या फिर जो symbols हैं वो substance है of language किसी भी language के. When they are arranged in order they attain form. जब उनको किसी भी order में किसी तरतीब के साथ arrange किया जाता है तो वो form कहलाती है. Otherwise जब एक कोई भी चीज़ होगी सिंपल वो एक सब्सटेंस होगी जब हम उसको order करेंगे तो वो form कहलाएगी. All distinct sounds are written scripts. आर द सब्सटेंस ऑफ द लैंग्वेज. इट इज़ मीनिंगलेस ओनली नॉइसी. वैन साउंड्स लेटर्स वर्ड्स आर अरेंज इन अ सर्टन वे वी कैन सी सम मीनिंग इन दैम. यहाँ पर कह रहा है कि जब अल्फाज और साउंड जो अलहदा होती हैं उनका कोई भी मीनिंग नहीं होता वो मीनिंगलेस होती हैं सिर्फ नॉइस क्रिएट करती हैं वो सब्सटेंस होगी. लेकिन जब हम उनको वर्ड्स के साथ लेटर्स के साथ अरेंज करेंगे सेंटेंस में तो वो एक फॉर्म की शक्ल में इख्तियार कर जाएगी. We can see some meaning in them. और हम इनमें कोई मीनिंग देखेंगे इट बिकम्स फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज. ये किसी भी लैंग्वेज का फॉर्म होता है. इट इज़ जस्ट लाइक अ शेपलेस लॉग ऑफ वुड. जैसे कि एक लकड़ी का लॉग होता है. द कारपेंटर मेक्स अ चेयर टेबल आउट ऑफ इट ही चेंजेस सब्सटेंस इनटू फॉर्म. एक कारपेंटर वो अगर लकड़ी का जो लॉग होता है वो ले तो वो एक सब्सटेंस होगा. लेकिन जब वो उसको रिपेयर करता है उसको एक अच्छी सी शक्ल दिखा देता है अगर टेबल बना रहा है या चेयर बना रहा है जो भी उसने उससे बनाया है तो वो फॉर्म हो जाएगा. किसी भी लैंग्वेज को जब हम किसी भी लैंग्वेज का फॉर्म देखने की कोशिश करते हैं तो जब वर्ड्स को अलहदा अलहदा देखा जाए तो वो सब्सटेंस होगा. लेकिन जब उनको अच्छे से मीनिंगफुल वर्ड्स हो जाएंगे तो वो सब्सटेंस फॉर्म होंगे. Informal linguistic form and substance usually refer to the actual elements or units of language like atoms and molecules in chemistry, proton and electron in physics. So in the case of phonology it is phonemes, in morphology it is morphemes. In morphology it is morphemes and in syntax it is constituents. कहते हैं कि जो हैं फॉर्म और सब्सटेंस अगर हम उनको लैंग्वेज में देखें या किसी चीज़ में देखें तो केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल जो हैं वो सब्सटेंस होगा. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फिजिक्स में सब्सटेंस हैं. फोनोलॉजी इन द केस ऑफ फोनोलॉजी इट इज़ फोनीम्स. फोनोलॉजी के केस में जो सब्सटेंस है वो फोनीम है. मॉर्फोलॉजी के केस में मॉर्फीम्स सब्सटेंस है जबकि मॉर्फोलॉजी की जब शक्ल में वो आ जाती है तो वो फॉर्म हो जाती है. और सिंटैक्स में सिंटैक्स फॉर्म है और सब्सटेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं.
सबस्टांस जो है वो वर्ड्स को जब हमने लैदा लैदा उनकी रख उनको रखना है और जो सिर्फ नॉइस क्रिएट करेंगे तो वो सबस्टांस हो गया। जब उनको किसी एक अच्छी सी शक्ल में एक वर्ड के तौर पर पेश किया जाएगा तो वो फॉर्म कहलाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लैंग एंड कॉम्पिटेंस। ये भी पेपर में काफ़ी टाइम आ गया है इसलिए इसको भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं। लैंग इज़ आ सोशोलॉजिकल फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज डैट वी शेयर एंड क्रिएट टूगेदर। कहते हैं कि जो लैंग है ना हम उसको शेयर और क्रिएट कर सकते हैं, इकट्ठे क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ सेम विद एवरी लैंग्वेज यूज़र। ये जो है वो सेम होता है हर लैंग्वेज यूज़र का। लैंग क्या है? वर्ड इमेजेस हैं किसी भी लैंग्वेज की, किसी उसके रूल्स को जब माइंड में हमारे होते हैं तो वो है लैंग। लेकिन कॉम्पिटेंस क्या है? कॉम्पिटेंस इज़ अ मेंटल बायोलॉजिकल एंड इनहेरिटेड फैकल्टी। कॉम्पिटेंस किसी भी नेटिव स्पीकर का जो उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नॉलेज है उसके माइंड में वो होता है कॉम्पिटेंस, और वो इनहेरिटेड होता है, मेंटल है और बायोलॉजिकल है। इट मे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक मुख्तलिफ हो सकता है। वो थ्योरी सी द लैंग्वेज एज एन एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। ये था हमारा सारा क्वेश्चन। इसमें हमने सिंक्रोनी एंड डाइक्रोनी लिंग्विस्टिक को डिस्क्राइब किया है, ला लैंग ला पेरोल को डिस्क्राइब किया है, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस को, सिंटैग्मैटिक एंड पैराडिग्मैटिक रिलेशंस को बयान किया है, और फिर हमने सबस्टांस एंड फॉर्म को डिस्कस किया है, और लास्ट में हमने डिफरेंस किया है बिटवीन लैंग एंड कॉम्पिटेंस के दरमियान। अगर आपको ये वीडियो और मटेरियल अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का लिंक आपको बाकायदगी से मिलता रहे। थैंक यू।